नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। 2019 लोकसभा चुनावों का दौर जारी है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने हथकंडे अपनाने में लगे हुए हैं। ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां अपने जीते हुए प्रत्याशी और मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे प्रत्याशियों का पत्ता कट रहा है जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर 2019 लोकसभा चुनाव जो हैं वहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट पर यहाँ पर कब्जा होगा महागठबंधन यानी कि सपा बसपा का, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बाजी मारे? दरअसल आपको बता दें कि मथुरा में जो चुनावी दंगल चल रहा है, मथुरा में जो सियासत चल रही है, वो वाकई में ऐसी गरमाने वाली सियासत है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। ये सियासत ऐसी है जिसमें सत्ता की रोटी अलग अलग पैमानों पर सेकी जा रही है। ये सियासत ऐसी है जिसमें फिलहाल शाम दाम दंड भेद हर एक चीज़ लग चुकी है। फिलहाल अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं इस बार मथुरा में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस हेमा मालिनी। जी हाँ, अपने ज़माने की खूबसूरत अदाकारा रह चुकी हेमा मालिनी ने साल 2014 में मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और एक तरफा जीत दर्ज की थी। 5,74,063 वोट उन्हें मिले थे। फिलहाल अगर आप देखें तो उनका जो जीत का प्रतिशत था साल 2014 में वो 53.29 था। यानी कि एक तरह से अगर आप देखें तो हेमा मालिनी का वर्चस्व पूरी तरह से एक बड़ा वर्चस्व था और ये वर्चस्व की लड़ाई जो थी वो पूरी तरह से उन्होंने जीती थी। मथुरा में फिलहाल जो चार बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो है छठा, मंत, गोवर्धन, मथुरा और बालदेव। ये ऐसी जगह हैं जहां पर वोटर्स की गिनती ज़्यादा है। अगर छठा की बात की जाए तो यहां पर 3,24,533 वोट हैं। मांत की बात की जाए तो 3,07,750 वोट हैं। गोवर्धन की बात की जाए तो 2,99,067 वोट हैं। मथुरा की बात की जाए तो 4,13,885 वोटर्स हैं और बालदेव की बात की जाए तो ये ऐसी सीट है इसमें करीब 3,37,000 कुछ वोट्स यहाँ पर हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो मथुरा जो है बिल्कुल दिल्ली के पास लगता है और हम सभी जानते हैं कि अगर आपको दिल्ली में अपनी सत्ता का परचम लहराना है तो उत्तर प्रदेश में बाजी मारनी होगी। अगर आपको दिल्ली में सियासत को गर्म करना है और अगर दिल्ली में एक सफलता का ताज पहनना है तो आपको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे बड़ी लोकसभा का गढ़ कहा जाता है। 80 सीटों का यहाँ पर एक महादंगल देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने हेमा मालिनी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। वहीं हेमा मालिनी पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि ये उनका आखिरी लोकसभा चुनाव है, इसके बाद वो राजनीति से संन्यास ले लें। यानी कि आखिरी लोकसभा चुनाव जीतते जीतते जाना चाहती हैं हेमा मालिनी। लेकिन इतना आसान नहीं है। मायावती और अखिलेश यानी कि सपा बसपा गठबंधन यानी कि बुआ और भतीजे के गठबंधन के नेता कुंवर नरेंद्र सिंह को इस बार खड़ा किया गया है हेमा मालिनी के अगेंस्ट। कुंवर नरेंद्र सिंह राजपूत वोट खींचने में माहिर माने जाते हैं। साल 2009 के इलेक्शंस की बात की जाए तो निर्दलीय लड़कर भी उन्होंने कई लोगों का पत्ता काटा था, कई लोगों के वोट अपने नाम कर लिए थे। इस वजह से कुंवर नरेंद्र सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पर हेमा मालिनी के लिए। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने उतारा है महेश पाठक साहब को, जहाँ पर SP BSP राजपूतों के वोट खींचना चाहती हैं और यहाँ पर कांग्रेस चाहती है कि महेश पाठक को ब्राह्मणों के वोट मिले, यानी कि पंडित वोटर्स जो हैं, जो साधु वोटर्स होंगे उनको यहाँ पर पूरी तरह से उनका सपोर्ट यहाँ पर चाहिए होगा। लेकिन हेमा मालिनी जो जिनका वर्चस्व रहा है काफ़ी अच्छा, हरियाणा में भी वर्चस्व रहा है, दिल्ली में भी है और उसके बाद एक बड़ी एक्ट्रेस भी वो रह चुकी हैं, तो हेमा मालिनी का रहना जो है वो एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है, एक बड़ा रोल प्ले करता है। हेमा मालिनी के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अपने बारे में फिलहाल ये तो नहीं सोचना चाहिए कि हार या जीत, लेकिन हेमा मालिनी का एक बयान भारतीय जनता पार्टी की हार को तय कर सकता है। क्योंकि ये बात तय है कि हेमा मालिनी ने अगर ये कह दिया कि आखिरी इलेक्शन है उनका और उसके बाद पब्लिक ये सोचेगी कि भैया अगली बार किस प्रत्याशी को उतारा जाएगा, क्या वो प्रत्याशी मथुरा के हित में काम करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल जो है वो आज ही विलेज में उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में रैली की थी और चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी जारी हो चुका है हेमा मालिनी को, जिसका जवाब उन्हें आज देना है, कल देना है।
अब क्या जवाब आएगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हेमा मालिनी ने एक बार फिर अपना वर्चस्व जो है वो दिखा दिया है। ड्रीम गर्ल अब अपने आखिरी चुनावी मैदान में उतरी हैं, आखिरी पारी खेल रही हैं अपनी राजनीति के मैच की, और ये पारी वो सही तरीके से खेलना चाहती हैं। अब देखना होगा कि क्या वो कुंवर नरेंद्र सिंह के हाथों क्लीन बोल्ड होंगी या फिर महेश भट्ट के हाथों, माफ कीजिए, महेश पाठक के हाथों कैच आउट होंगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल SPN9 News को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।